हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांसेरा पंचायत में शीघ्र स्थापित हो रिको, क्षेत्र का होगा समग्र विकास। रिको स्थापना के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, सौंपा ज्ञापन। रिको के संदर्भ में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग। राज्य संबंध, रेलमगरा तहसील अंतर्गत सांसेरा ग्राम पंचायत ने प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के समर्थन में सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शीघ्र रिको स्थापित कराने के पुरजोर मांग की। साथ ही रिको स्थापना को लेकर कतिपय लोगों द्वारा क्षेत्र में भ्रम फैलाने पर रोष जताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की। सांसेरा सरपंच रामेश्वर लाल प्रजापत, पंचायत समिति सदस्य वर्दी बाई, वार्ड पंच शंभू गाडरी, उदी बाई, सीता देवी जाट, दिनेश गुज्जर, मदन लाल बैरवा, शांतिलाल प्रजापत, इकबाल खान, मुंशी मोहम्मद, रोशन शर्मा, प्रकाश शर्मा, शंकरलाल बूता, कैलाश शर्मा, पूरण गोस्वामी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ जनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों ने सांसेरा में रिको लगाने के समर्थन में नारेबाजी करते हुए इसे क्षेत्र के चहुमुखी विकास की दृष्टि से मील का पत्थर बताया। वहीं रिको स्थापना में रोड़ा बन रहे लोगों को खूब आड़े हाथों भी लिया। काफी देर नारेबाजी के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM कुशल कुमार कोठारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सांसेरा में शीघ्र ही रिको स्थापना के लिए जरूरी प्रक्रिया पूर्ण कराने की पुरजोर मांग की गयी। इस दौरान मांगीलाल किर, मोहन किर, केली राम किर, रणजीत किर, सुरेश कहार, नारायण किर, देवीलाल गाडरी, गणेश किर, छगन किर सहित बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच रामेश्वर लाल प्रजापत सहित जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गत दिनों रेलमगरा में प्रशासन गांवों के संग शिविर के समापन समारोह में क्षेत्रवासियों की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने सांसेरा पंचायत के छडंगा खेड़ी में रिको स्थापित कराने की घोषणा की। इसी के तहत 43 हेक्टेयर चारागृह भूमि पर रिको औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए डॉक्टर जोशी के पहल पर निकट भविष्य में तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण होकर रिको की स्थापना हो जाएगी। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का कहना है कि रिको के अंतर्गत कई छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिल सकेगा एवं उन्हें रोजगार के लिए अन्यत्र पलायन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सांसेरा पंचायत का अन्य बड़े स्थानों से जुड़ाव होने से पंचायत में और अधिक विकास की प्रबल संभावना बनेगी, जो यहां के विकास के लिए लिहाज से काफी कारगर सिद्ध होगी। डॉक्टर जोशी की इस विशेष पहल के क्रियान्वयन के बाद सांसेरा पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, जो हर दृष्टि से क्षेत्र के लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व ग्रामवासियों ने कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के संभावित विकास को अवरुद्ध करने की मंशा से स्थानीय कतिपय लोग रिको के संदर्भ में क्षेत्रवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। विकास में रोड़ा अटकाने वाले ये लोग तालाब की जमीन छीन जाने, प्रदूषण फैलने सहित अन्य कई प्रकार के बेबुनियाद एवं भ्रामक तथ्य पेश करते हुए ग्रामवासियों को गुमराह करने के सक्रिय हो गए हैं। इस प्रकार के कतिपय लोग रिको का विरोध करने के लिए आम जन को उकसा रहे हैं, लेकिन रिको के बारे में वास्तविकता जान चुके समस्त ग्रामवासी रिको के समर्थन में उतर गए हैं। ग्रामवासी चाहते हैं कि विकास का प्रयास माने जाने वाला रिको उनकी पंचायत में ही स्थापित हो, ताकि उनके क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। जागरूक TV के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारूत की रिपोर्ट।